We should be there. All right, perfect. So we are live now. So is there something I can share on the क्या कहते हैं आपका अर्बन फॉरेस्ट ग्रुप? मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वो आप जो अर्बन फॉरेस्ट ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा. So we like right now we're actually live. ये सारी बातें हर कोई देख रहा है. तो मैं कह के आपको पहले बता दूं. Warn you. You slip up. Exact. So आपका ये रहा आपका वो, और मैंने मैसेंजर पे आपको लिंक भेज दिया मैंने. Okay, ठीक है. इसको मैं फॉरवर्ड करूं. Let me quickly see. Okay, send to a group, forward in separate messages, send to a new group. Okay. All right. No, can't do that. इसमें कहीं आएगा क्या? This is actually pretty interesting. I like the live thing. It's a new thing for all of us. ठीक है सर. All right, so we're कोशिश करता रहूँगा मैं, आप अपना जारी रखें. हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, बातें करते हैं, no problem. ठीक है सर. So of course everybody knows. जी. This is actually pretty interesting. I like the live thing. It's a new. आपका echo हो रहा है, तो आपके जो Facebook वाली window है वो जरा सा silent कर दें. ठीक है सर. All right, so we're. कोशिश करता रहूँगा मैं, आप अपना जारी रखें. हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, बातें करते हैं, no problem. ठीक है सर. So of course everybody knows. Shahzad second these. That's actually pretty interesting. I like the live thing. It's a new. आपका echo हो रहा है, तो आपके जो Facebook वाली window है वो जरा सा silent कर दें. ठीक है सर. Perfect. Now it's silent. I can hear. Okay. Thank you. Excellent. There you go. Perfect. Sorry. I'm getting a little profit. Zoom से चल रहा है आजकल ज़्यादा ना, तो that's more. I'm accustomed. हाँ हाँ, नहीं absolutely, like I completely understand. So how are you? Doing all right? I'm great. आप सुनाएं, आप ठीक हैं? Alhamdulillah, बिल्कुल ठीक ठाक. So like I got this idea just you know a day before Earth Day, क्योंकि climate march हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो हमारा तो ये था कि इस Earth Day पे जो है प्रेस क्लब के बाहर खड़े होंगे कि जी कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, कोई नहीं 100 200 300 400 लोग लेके खड़े होंगे. मगर अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से तो सबको ही कह दिया कोरोना कि आप अंदर जाके बैठे. तो देयर आर टू मेन टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस एंड दे कुड बी सीन एज एन एक्शन आइटम और दे कुड बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन एज टू ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन. तो पिछले 8 महीने में क्लाइमेट मार्च के बाद से, क्लाइमेट मार्च आपको पता है कि कराची में भी 2-3 हज़ार लोग निकले थे, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल से 20 शहरों में 15-20 हज़ार लोग निकल आए थे. तो उसके बाद से आपको कोई कॉन्वर्जेशन में चेंज नजर आया है, या पिछले 1-2 सालों में इन जनरल आपको कॉन्वर्जेशन में चेंज नजर आया है? एनवायरनमेंट को लेके लोग ज्यादा प्रोएक्टिवली बात कर रहे हैं, या जो है कहते हैं एक दफा बात करके फिर ढीले पड़ गए हैं, या जो कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं एंड सो ऑन. एक तो ये टॉपिक है, ठीक है जी. दूसरा टॉपिक है कि जब से कोरोना हिट किया है तब से कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आपको नजर आए हैं, और कितने लॉन्ग टर्म, कितने इम्पैक्टफुल चेंजेस हैं. तो ये दो टॉपिक्स हैं. क्लाइमेट मार्च के बाद से शुरू करते हैं. तो आपके कोई अगर कमेंट्स हों कि पिछले 8-9 महीनों में आपने कोई चेंजेस देखे हैं कॉन्वर्सेशन पे? यार आई थिंक इट वाज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, आई थिंक मोर इंटरनेशनली, बट हमारे यहाँ उसकी रीच बड़ी सेलेक्ट लोगों तक थी. It did not go mass, if you understand it, because I agree. वही बात है कि मतलब हमारा Facebook पे जो लोगों का क्या कहते हैं ज्यादा concentration है, वो बड़े select group है जो कि who is listening. So it's like preaching to the choirs वाली बात है. थोड़ा बहुत फैला जाहिर है, obviously कई जगह भी देखा गया, टीवी ने बड़ी अच्छी कवरेज दी, सारा कुछ, बट उसके बाद फॉलोअप क्या कुछ होना चाहिए था ना, वो देयर इज नो फॉलोअप टू इट, हु विल डू दैट फॉलोअप, वी नॉट डूइंग फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, बिल्कुल वी डोंट डू दैट, देयर इज नो मोमेंटम इन एज सच इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इट वाज अ कूल थिंग, लोगों ने कर लिया, हां ठीक है, क्लाइमेट और जिम्मेदारी किसी और की है, ये हमारी नहीं है बेसिकली करने की, दैट्स द बॉटम लाइन। तो आई जस्ट थिंक दैट इट्स this is one a time actually, this can become a catalyst for a bigger change. We did do, for example, privately speaking, हमसे दो चार लोगों ने और बात की कि अच्छा भाई फॉरेस्ट लगा दें, इधर लगा दें, उधर लगा दें, काम अच्छा हो रहा है, हमारे भी करते, बट it was, you know, one of तीन चार लोगों की उसमें खाली बातचीत थी। जो कोशिश हमारी इंस्टीट्यूशनल पुश करने की थी वो नहीं हो पा रही है, या इसको एज अ सोल्यूशन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड आवर बेसिकली सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट वी डू, द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, उसका जो आंसर है वो बेसिकली, आई मे बी बायस्ड टुवर्ड्स फॉरेस्ट, बट इट्स एवरीथिंग इज इन द फॉरेस्ट, इन द ट्रीज एंड ट्रीज इन द शेप ऑफ फॉरेस्ट। तो उसको होलिस्टिकली देखने का किसी को शौक नहीं है, या उस पे काम करने का जो है वो एपेटाइट नहीं है, या उसके ऊपर कोई किसी से पूछना भी नहीं है कि यार हाँ मतलब ये हो सकता है, एक बज़वर्ड बन गया कि जी अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए, तो एवरीबॉडी वांट्स टू डू अर्बन फॉरेस्ट एंड इट डजंट रियली मैटर कि डज इट क्वालिफाई एज अ फॉरेस्ट, और इसी फॉरेस्ट की ही डेफिनेशन को हर आदमी जहाँ 6 दरख्त इकट्ठे करके लगा देता है उसको कहता है कि मैंने फॉरेस्ट लगा दिया। वो कूल वर्ड है ना, अर्बन फॉरेस्ट, किसी भी उसके सामने अर्बन लगा दें तो कूल हो जाता है। हाँ, और अर्बन सेटिंग में हो रहा है तो जाहिर है इट्स जस्ट दिस थिंग, सो जाहिर है उस पे हर आदमी से बहस नहीं की जा सकती है, बट आई वाज होपिंग के मोर इन्फॉर्म्ड डिस्कशन विल स्टार्ट हैपनिंग सूनर और लेटर, के ये tree plantation has its benefits, understandable, it gives the cover and ecological, but jo ecological benefits ek forest formation se aur ek aise group of ek jo hum suggest karte hain, aur uske upar ek nahi matlab ab is waqt hazaron qisam ki research jo hai wo maujood hai ke ek forest ke benefits versus a plantation that you do, ek standard plantation, usse wo kitna zyada beneficial hai, and plethora of information on online, और उसमें खास सॉरी आपकी आवाज, इज योर इंटरनेट कनेक्शन शहजाद भाई, आपकी आवाज जरा सी जो कहते हैं, बल्कि आपकी वीडियो भी ब्लॉक हो गई है। Unfortunately Shahzad bhai ki video ka kuch issue aaya hai, so we're trying to bring him back. Hello there we go, I see him again, perfect, ji now I can hear you, now I can see you again, perfect. तो तो वो जो डायलॉग और वो जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी इन ऑल सीनियर लेवल्स ऑफ डिस्कशन के दिस एज अ सॉल्यूशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ आवर इल्स, वो उससे हम बहुत दूर है। तो I'm just kind of hoping that this can happen sooner. एक discussion में थी a city in Punjab अभी couple of months ago who are looking into, and I suggested to them कि यार let's make an urban forest policy for you. So I'm in the works of developing a document that is replicatable for all cities possible, but given and our circumstances, how do you identify your आपके ग्रीन एसेट्स क्या हैं शहर के अंदर और उन एसेट्स को बढ़ाना कैसे है, किन किन स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करना है, किस किस तरह से इन्वॉल्व करना है, फाइनेंसिंग कैसे उसमें जनरेट करनी है, बिकॉज वी नीड टू यू नो देयर इज नो टाइम फॉर अस। एंड आज के इस दौर में अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि यार ये वायरस जो है किस तरह के जानवरों से उछल के इंसानों में वापस आ गया, and this is one of the few 4,000 viruses that go off that exist in the wild. There are at least millions of other viruses and stuff that can actually transfer or can eventually mutate or whatever. तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि they live in a habitat of their own and comfortable habitat जो उनका मौजूद है। और हम अपनी जगह बिल्कुल तो ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं इंतहाई अहम डिस्कशन है जो कि होना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू कम अप विद अ डॉक्यूमेंट एंड होपफुली फ्लोट दिस टू ए सिटी एंड देन लेट्स सी इफ दे टेक इट अप एंड दैट वुड बी अमेजिंग, दैट वुड बी अमेजिंग। बिल्कुल, आप जो कहते हैं अपने एक्सपीरियंस वगैरह के हवाले से डॉक्यूमेंट एक वो करें, ऑफ कोर्स लाइक इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लाइक टू पॉइंट्स आई वुड एग्री विद के एक तो जो क्लाइमेट मार्च में जो लोग आए हुए थे वो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी जो है कहते हैं प्रिविलेज लोग थे। हमने जरा से कोशिश की थी कि जो कहते हैं और लोगों को भी लेके आए, तो देयर वर पीपल फ्रॉम द ट्रेडर्स कम्युनिटी, देयर वर पीपल फ्रॉम पीआरएसएफ, देयर वर पीपल फ्रॉम द फिशर फोक कम्युनिटी, यानी कहते हैं जो एक्चुअली अफेक्टेड थे एनवायरमेंट से वो लोग भी आए हुए थे। मगर तब भी दो यानी कराची में फॉर एग्जाम्पल 15 मिलियन लोगों का 15 मिलियन लोगों का शहर है, उसमें अगर 3 या 4 हजार लोग निकल के आए तो जैसा आपने कहा कॉन्वर्जेशन स्प्रेड इतनी नहीं हुई थी। तो वही है कि मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि पिछले 7-8 महीनों में जरा सी कॉन्वर्जेशन बढ़ेगी ताकि फिर अर्थ डे तक और फिर जो नेक्स्ट जो सितंबर में इंशाल्लाह जो कहते हैं देखते हैं होपफुली क्लाइमेट मार्च अगर होती है तो उसमें 5,000 नहीं तो 10-15 हजार लोग हों, मगर वो तो मुझे लाइक यू सेड मुझे लग नहीं रहा। और दूसरा ये आपका था जो आपका जो पॉइंट था कि हैबिटेट्स में रहना चाहिए, जो हम लोग जिस तरह से ओवर फॉरेस्टिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टिंग कर रहे हैं एंड ओवर फिशिंग कर रहे हैं, सारी चीजें जिसकी वजह से इश्यूज ये बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब उसमें ये कोरोना के बाद से आपको लगा है कि जो आपका जो पॉइंट था जो कि इंसानों को जिस पे काम करना चाहिए था वो नेचर ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। आपकी आवाज थोड़ी सी चॉप हो गई आखिर में, क्या कह रहे हो? अच्छा, कि आपका जो पॉइंट था कि हर जानवर को बिल्कुल आई कैन यू इनफ कि हर जानवर को या हर स्पीशीज को का यू नो लाइक दे हैव देयर ओन हैबिटेट, दे हैव देयर ओन एरियाज जहाँ पे जो कहते हैं और इंसानों को भी ओवर रीच नहीं करना चाहिए। तो अगर इंसानों ने नहीं काम किया उस पर तो नेचर ने खुद काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर, यू थिंक? हाँ, यू नो वही बात है कि दिस इज अ वाइल्ड एंड अगेन आर एरोगेंस दैट वी नाउ अंडरस्टैंड कि जी ये ओहो सो दिस इट्स अनफॉर्चुनेट। शहजाद भाई को फिर से एक दफा मुझे स्ट्रीम से अनफॉर्चुनेटली रिमूव करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उनका आई बिलीव इंटरनेट वगैरह का कुछ इशू आ रहा है। लेट्स सी इफ वी कैन ब्रिंग हिम बैक नाउ। Welcome Shahzad bhai, now you're back again. So what I'm going to do is try to move to a more workable place. Let's see if it's better in that direction. So one of the things that you see is that our internet is such a lifeline in this scenario कि अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके लिए बड़ा सख्त जरूरी है। उसके बगैर जो है वो life will come to a standstill and you will not be able to talk or do function anywhere. Anyways, so let's see if this goes any more smoother. Perfect. I love the painting in the background, love the sketch. हाँ, ये बड़ी जबरदस्त, ये एक्चुअली बांग्लादेश से एक दोस्त हैं वो लेकर आई थी, जबरदस्त, वेरी नाइस जी पेंटिंग। anyways, so I think ये हमारा अपना डिडक्शन है, बिकॉज अरे हमारा ख्याल है कि यार ये इस वजह से हो गया और वी हैव फिगर्ड इट आउट कि ये क्यों हो गया इज वन ऑफ द रीजन, राइट? इंसान को सब समझ आ जानी चाहिए, वी आर द वंस हु नो एवरीथिंग एंड वी हैव फिगर्ड दिस आउट एज वेल। ओ ये बिकॉज यस दिस इज देयर आर वेरी वेरी क्लियर साइंस के बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन लास्ट कपल ऑफ 100 इयर्स इसके कई सैंपल्स आ चुके हैं। सो मैंने शेयर भी किया था एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसमें बड़ी तफसील से आउटलाइन किया गया था कि ये जो जूनोटिक वायरसेस हैं कमिंग आउट ऑफ एनिमल्स बेसिकली, इनका ट्रांसफर बढ़ता चला जा रहा है और जहाँ जहाँ आप हैबिटेट किल कर रहे हैं वहाँ ये ट्रांसफर नजर आ रहा है, बड़ी आसानी से हो रहा है। अच्छा, सार्स आ गया, मर्स हो गया, इबोला हो गया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया, ये तमाम चीजें जो हैं वो जानवरों से जो है वो ट्रांसफर हुई हैं और उसके पीछे रीजंस जितनी भी रिसर्च कर सके हैं अभी तक हम लोग, उसमें यही नजर आता है कि जी ह्यूमन बीइंग्स ने जहाँ जहाँ हैबिटेट डिसरप्ट किया वहाँ उस डिसरप्शन की वजह से कोई डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी या दो स्पीशीज का वो बढ़ गया तादाद, क्योंकि उसको उसके प्रेडेटर्स नहीं मिले, उसको कंट्रोल करने वाली चीजें नहीं मिली, तो एंड देन इट इवेंचुअली ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन बीइंग्स। तो ये 4-5-6 लिविंग एग्जांपल्स पास्ट 100 इयर्स की ऑलरेडी मौजूद है। एंड हाउ, अब खौफ ये है कि यू नो द राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर will unleash some serious level of viruses and diseases जो फैलेंगी, क्योंकि बहुत ही conducive environment मिलना शुरू हो जाएगा उन सारी चीजों को एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होने में। और given what we have already completely destroyed, contain नहीं कर सकेंगे वो सारी चीजों को। आप आज आपने समझ लिया, इनफैक्ट आज ही मैं खबर पढ़ा था कि they are trying to now there's an effort to understand and find out about 160 million viruses that exist in the wild, जिस पे अब तक काम नहीं, उसको कैटलॉग करने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ओके, मतलब अभी तक 4000 वायरसेस का पता है हमें, तो जो 160 मिलियन है वो उनको एक एस्टिमेट है अगेन ये जितने मौजूद हैं उनको कैटलॉग कर लें। सो मतलब all kinds of anecdotal evidences and जितना इस पे actual research भी हो गई वो भी सब मिला के ये बड़ा clear है कि we are part of this ecosystem और we have crossed our boundaries into, you know, you only should be able to take enough out of this ecosystem right that it doesn't infringe upon other rights। आपने उनके दूसरों के rights देना शुरू कर दिए हैं, extinct होना शुरू हो गई हैं दूसरी species आपके अपने consumption pattern की वजह से। बिल्कुल, तो वो then you know there will be a time when you know things, because जो overall maths है, ये algorithm है जिसपे ये पूरा आपका planet चल रहा है, बिल्कुल वो algorithm will come into play। ये आप इक्वेशन में किसी जगह को छेड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नजर आएगा इवेंचुअली। नाउ द टाइमलाइन ऑफ द प्लैनेट, आई मीन इट्स यू नो हमने ये मेस अप जो है सीरियस जो है वो 300 साल में शुरू किया है। सो अच्छा, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ बीइंग सस्टेनेबल। सस्टेनेबल है कि जो है एबल टू बी, अगर इफ यू जस्ट गूगल इट, इट सेज एबल टू बी अपहेल्ड और डिफेंडेड, लाइक जो प्रीवियस हो चुका है उसके ऊपर बिल्ड करना, दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे मुल्क में तो चलो अभी इसकी, अब एक दूसरी साइड जो नजर आ रही है वो ये कि यार लोग जो है वो इसको, क्योंकि दे विल कम आउट ऑफ दिस होल इकोनॉमिक डिप्रेशन सिचुएशन, दे विल एक्चुअली कंज्यूम अ लॉट मोर ऑफ the fossil fuels and the technologies and things that were harmful for the overall economy, because economic recovery will be sort of like a उसका वो हो जाएगा, पुश होगा, पुश होगा भाई हमें वहां। हाँ यार सॉरी, ये तो मतलब सस्ता काम है, जल्दी काम करना है। और अब तो वो जो एफर्ट्स हमने की थी सारी टुवर्ड्स उसको जो है डैमेज हो जाएगा उसका तेल। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं अभी तक जो ये डिस्कशन हुआ था कि होपफुली बिहेवियर चेंज कुछ आ जाए, मगर अभी मशल से भी बात कर रहे थे तो सस्टेनेबल फैशन के हवाले से भी वो यही कह रही थी कि कंसीडरिंग द डिस्काउंट कल्चर एंड एवरीथिंग, अभी तो सब कुछ डाउन हुआ हुआ है, बट एज सून एज द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग ओपन्स अप और जो डिस्काउंट्स देना शुरू करेंगे लोग, तो एकदम से हो सकता है कि जो रिटर्न है और जो फिर से जो कहते हैं फास्ट फैशन वगैरह सारा हो, तो वो और भी ज्यादा स्पीड में होगा। But okay, so speaking of urban forest directly, you like whenever I visited, जब भी मैं जाऊँ तो आपको नए किस्म का कैटरपिलर दिखा रहे होते हैं या नई किस्म का कोई परिंदा दिखा रहे होते हैं कि जी अब ये आ गया वो आ गया। एक दफा बल्कि आपके साथ हमने मिलके चुनकियों की पूरी फौज भी फॉलो की थी, पता नहीं कहाँ एक कोने से लेके दूसरे कोने तक वो जो चुनकियाँ चलती हुई जा रही थी। तो पिछले साल डेढ़ साल में आपने ये चेंजेस अर्बन फॉरेस्ट में देखें तो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं वो चेंजेस वगैरह और भी ज्यादा? यार इट हैज बिकम माशाल्लाह फैंटास्टिक, इट्स बजिंग विद लाइफ, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय द ईयर बाय द मंथ्स। स्प्रिंग इज देयर, सो आई एम यू नो मैं तो जा ही रहा हूँ बिकॉज ये कोविड की वजह से एक फायदा में ये है कि पार्क जाना जो है जरा आसान है, अप्रोचेबल है, माली आ रहे हैं, पौधों को हमने जिंदा रखना है, तो थिंग्स आर ओके एंड एवरीथिंग इज बजिंग। इट्स यू सी द लाइफ दैट इज इवॉल्व्ड देयर, इट इज कमिंग बैक टू इट, इट्स इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई एडवाइज एवरीवन टू यू नो स्विंग बाय इफ दे गेट अ चांस, अकेले अकेले आए मगर ज्यादा रस ना लगाएं, एक एक करके एक करके। आई वाज एक्चुअली गोइंग टू अनाउंस टुडे कि मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए, तो जब किसी को टाइम मिला करे वो आ जाया करे, दूर रहेंगे, there's a lot of space, there's a lot of बिल्कुल आपको तो it's pretty huge space। हां एब्सोल्युटली। तो अभी पिछले महीने डेढ़ महीने में like since the lockdown it's actually been exactly 1 month I believe, 23rd March को जो कहते हैं लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, कोई चेंजेस आए कि एक के बजाय 3 या 4 परिंदे आ गए हों कि जो बाकी सब लोग घर पे हैं, तो जानवर वगैरह जैसे? यार क्वान्टिफाई उस तरीके से शायद मुश्किल है बिकॉज हमें वैसे ही बहुत नजर आ रहे थे हमारे हैबिटेट की वजह से, इट्स नॉट एज आइसोलेटेड एज वहाँ वैसे ही बहुत आ रहे थे, बट इट्स इम्प्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर लेट्स से। अच्छा हाँ, नॉट पर्टिकुलरली कोविड रिलेटेड तो आई कांट से, बट वैसे इम्प्रूव हुआ है पिछले साल ज्यादा। तो और इस साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर विल शो अप? हाँ इस साल हमारा एक तो कोशिश ये थी कि हम प्लांटिंग खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी हम जैसे डेढ़ महीने का पॉज आ गया बीच में हमारे। वांटेड टू डू दिस राइट नाउ, देयर इज कुछ डेवलपमेंट हमने वहाँ की है जो कंप्लीट हो जाए तो मैं दिखाऊंगा, अनाउंस करूंगा। आई डोंट वांट टू सी इट मिडवे, चैलेंज लेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज वो बड़ा मेरा एक ख्वाब था कि वो भी पूरा हो जाए, अगर तो वो हो गया अल्लाह का शुक्र है, तो वो हो जाए, फिर बाकी जो प्लांटिंग के एरियाज हैं वो पूरे हो जाएं। वी ट्राई टू टॉक टू कपल ऑफ पीपल हु टू कोलैबोरेट विद देम इन डेवलपिंग द फर्नीचर फॉर द एरिया, थोड़ा सा इको फ्रेंडली, थोड़ा वो कुछ एक स्ट्रक्चर कोई, सो वी नाउ लुकिंग इनटू ब्यूटिफाइंग दैट स्पेस। वो पूरा हो जाए तो उसके बाद। हाँ अच्छा, तो एक दो दफा आपके ऑफ कोर्स जो कहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज हो चुके कि जी पार्क बंद कर दें तो ये कर दें तो वो कर दें, तो सिंस अ बिट मोर जैसे क्लाइमेट मार्च में लोग बाहर आए और फिर आपकी सपोर्ट में भी खासे लोग आए, तो डू यू थिंक दैट अ मैसेज हैज बीन सेंट to the officials, to the authorities or to people who didn't care about the environment के भाई अब लोग हैं शहर में जो के that care about the environment और जो कहते हैं ऐसी बस तबाही मचाने नहीं देंगे, ऐसी बैठे बैठे दरख्त बंद करना या पार्क बंद करना या दरख्त काटने नहीं देंगे? Do you think ऐसा कोई मैसेज सेंड हुआ होगा? यार जब हमें पहली दफा निकाला गया था that was August of 2018, तो हमारा ये ख्याल था कि मतलब यू नो दे मेड अ रॉन्ग कैलकुलेशन एट के यू नो बाय दैट टाइम अबाउट 6000 trees were planted and so on and so forth, खैर वो eventually they realized कि हाँ जी there is support for this whole cause and तो वो हो गया था resolve। उसके बाद लेकिन हमारा ख्याल नहीं था कि अब ये दोबारा until obviously it expires ये तंग करेंगे because I think by that time people made sure कि they were told कि हाँ जी enough है। but फिर 2019 में अगस्त में उन्होंने फिर ये रिपीट किया तो हर साल हर साल कुछ ना कुछ जो है फिर थोड़ा रिस्पांस पहले से ज्यादा बेहतर था। वी हैड गॉन अप टू 15,000 ट्रीज एंड बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हो चुके थे तो उन्होंने दे सपोर्टेड अस। पीपल वॉकड इन एंड सेड कि भाई दिस इज यू नो आवर थिंग एंड दिस शुड कंटिन्यू ऑन। तो अब आई डोंट नो मतलब अच्छा दैट्स व्हाई वी नीड बोले बोले हाँ मैं ये कह रहा था कि मतलब आई यू नो टू सर्टेनली से कि जी ये आइंदा नहीं होने वाला है या लोगों की सबके समझ में आ गया ऐसा नहीं है like I think we need this like you said कि ये conversation बढ़ती जानी चाहिए। this is another reason why I feel like this conversation यानी ये बात अब constantly होती रहनी चाहिए और climate march जैसी चीजें और इस तरह की activities जहाँ पे आपको public नजर आए जहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको 1000-2000 बंदा या जैसे आपके पार्क में जब ये लॉकडाउन वगैरह जब खुल जाए तो यानी 100-200 बंदा रोजाना के हिसाब से नजर आता रहे और जो है इवन विद द लॉकडाउन कम से कम ऑनलाइन ये कॉन्वर्जेशन ये बात चलती रहे क्योंकि जब तक ये अगर बात साइड पे हो गई तो ये लोग भी भूल जाते हैं लोग भी फिर जो कहते हैं उल्टी सीधी चीजें शुरू हो जाती हैं वो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है। तो ये बात होती रहेगी कॉन्स्टेंटली होती रहेगी तो आई थिंक ये लोग भी ज़्यादा बैकफुट पे रहेंगे the powers that be कि नहीं जी हमें इस तरफ जाना है क्योंकि फिर ऑफ कोर्स उसमें वोट वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं पता नहीं बहुत सारी चीजें और इंक्लूड होती हैं तो ये तो है। तो फिर अच्छा ये इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से क्योंकि योर लाइक द अर्बन फॉरेस्ट वर्क्स ऑन रन्स ऑन डोनेशंस एंड एवरीथिंग एज वेल राइट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है जाहिर है दिस इज क्राउड फंडेड हाँ और लेकिन हमने प्राइवेटली जैसे 15 और लगाए हुए। एक अच्छी खबर ये थी कि आई वुड हैव अनाउंस्ड इट होपफुली कंप्लीट हो जाता लेकिन फिर 1.5 महीने का ब्रेक आ गया। हम एक 2 एकड़ का फॉरेस्ट नूरियाबाद में बना रहे हैं। ओह जबरदस्त दैट्स ऑसम। हाँ एक फैक्ट्री के अंदर एक 2 एकड़ का फॉरेस्ट बन रहा है। अबाउट 30,000 प्लांट्स विल बी प्लांटेड इन दैट स्पेस। अच्छा सो यू नो दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम ए सीरियस फर्म टू take this on as कि यार हमारी नई फैक्ट्री बन रही है we want this to have a forest with it। और एक ये आपने पहली बार यहां पे अनाउंस किया है यहां पे भी अनाउंस किया पहली दफा यहां पे अनाउंस किया जी आपके सामने पहली दफा अनाउंस हो रहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दूं मैं ब्रेकिंग न्यूज़ you heard it here first। I like this whole by the way format जिसमें सब नाम आ रहा है ये वो सब सिलसिला StreamYard है बिल्कुल good stuff। सो या आप ब्रेकिंग न्यूज चला दें उसके अंदर। सो एक 2 एकड़ का फॉरेस्ट इंशाल्लाह वो हुआ। एक और फैक्ट्री थी एक एंग्रो की एक कंपनी के अंदर हमने लगाया है अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर का एक फॉरेस्ट। दे रियलाइज के नो वहाँ वो होगा फिर उसको वो एक्सपेंड करने की भी कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। सो दैट रियलाइजेशन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सिटीजन जो है उनसे ये चाहिए कि हाँ भाई ये यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन द एनवायरमेंट ऑन योर ओन कैपेसिटीज़ in within your factories outside your factories yeah within in the public domain as well। ek dialogue hamara shuru hua tha UNDP ke sath hopefully wo aage badhega where we want to make a coalition of companies and people breaking news very good but I like this for platform I want this exactly। so वो उस हम एक वो एक कोलेशन जो है वो हम मूव करना चाहते हैं। we want to bring in people who the corporate donors को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं ताकि हम मासेस के अंदर इंटरवेंशंस करें जहां जरूरत है इन फॉरेस्ट की जिसका इमीडिएट रिजल्ट भी नजर आए तो फौरी तौर पे एयर क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एयर क्वालिटी। आपको पता है हमने अबाउट 2 महीने पहले से एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए अपने पार्क के अंदर। उसका डेटा जो है वो बड़ा कंसिस्टेंटली इट्स द लोएस्ट AQI इंडेक्स इन द सिटी सो कंपेयर टू ऑल अदर 8 to 10। उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा लिंक्ड थिंग्स के नाम से इस कमेंट सेक्शन में आप कितना डाल दीजिएगा। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। तो वो मैं इंशाल्लाह लोड करता हूँ। सो मैं भी पहले ज़रा देखना चाह रहा था कि यार ये चल भी रहा है, ये मतलब इससे मतलब वो अफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो हो गया तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको पोस्ट करूँगा। सो नाउ अब माशाल्लाह डेटा जो है उसका हो गया इतने दिनों का कि वो इट लुक्स फाइन, और ये मैं आपके पास शेयर भी कर देता हूँ राइट हियर। सो थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा भी आपको नजर आ जाएगा, वो भी नजर आ जाएगा, बट इट्स द बेस्ट एयर इन द इन द टाउन एट एनी गिवन टाइम बेसिकली। ठीक। तो जब ये चीजें तो आपको क्या लगता है? जी बोलिए। नहीं, मैं यही पूछा था कि आपको क्या लगता है कि अगले कुछ उसमें और भी ज्यादा ये क्रॉप अप होते जाएंगे आपके अर्बन फॉरेस्ट वगैरह? एक आपने नूरियाबाद का बताया, उसके अलावा और भी लोग जो कहते हैं इन्वॉल्व होते जाएंगे इसमें। हाँ, सो आइडिया यही है कि वी हैव टू रिस्टोर आवर नेचुरल फॉरेस्ट बैक व्हाट दिस सपोज टू बी। एवरी पार्ट ऑफ the land that exists right now in the planet had some kind of a vegetation or some kind of a forest that existed over time, for one reason or the other, for human intervention or some other climatic conditions, किसी वजह से वो change हो गया, but ऐसा नहीं है कि वो वहाँ वापस नहीं जा सकता। So the whole Miyawaki method actually proposes this कि जी जो potential natural vegetation of any area है उसको restore करना है। It could be, you know, simple grasslands or some kind of a shrubby forest that used to exist, or eventually it will all graduate to a climax forest in any part of the land. Unfortunately, हमारी life cycle में बहुत सारी चीजें होना जरा मुश्किल होती है। हमें instant result चाहिए होता है, हमें instant उसका जवाब चाहिए होता है। But these are much large scale interventions that required to be कि आपने restore कर रहे हैं अपनी ही जिस जगह आप रह रहे हैं, अपनी लैंड, अपनी जमीन की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको रिस्टोर करना है ताकि वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस और रिस्टोर होना शुरू हो। बहुत सारी बीमारियाँ, हमारी अपनी तबीयतें, हमारे अपना लाइफ साइकिल, वो सारी चीजें जो है वो डैमेज्ड है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इकोसिस्टम इज नॉट इंटैक्ट। बिल्कुल। तो ये अगले लॉकडाउन के दौरान आपको लगता है कि लोग इस तरफ पुश करना शुरू करेंगे, या आपको लगता है कि बिकॉज पीपल आर सो बिजी विद डीलिंग विद द पेंडेमिक कि अब ये अटेंशन हट जाएगी इसकी तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से? साइमल्टेनियसली ये डायलॉग भी आना चाहिए कि ये पेंडेमिक हो कैसे गया। सिर्फ ये नहीं हो गया था कि चमगादड़ लेके लोग खाना शुरू हो गए थे, बट वो चमगादड़ मिली कैसे? Why did you intervene with why did you get hold of a चमगादड़ to start with? Right, that's a good question. वो बेचारी, उसका काम है जाके जहाँ रहती है वो रहती है, अपना उसका you know life cycle उसको पूरा करे, तो उससे दूर रहें। और बहुत इसके अलावा, ये तो आज तो चमगादड़ है, बट उसके अलावा अदर स्वाइन फ्लू फॉर एग्जाम्पल, यू नो यू इंटरवीन्ड विद ए नेचुरल सिस्टम वेयर यू नो ये जो मास पिग फार्मिंग होती है या कैटल फार्मिंग होती है, दे आर ऑल ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर सो टू स्पीक फॉर ए सम काइंड ऑफ अ डिजीज और द अदर, और उसके आउटब्रेक होते रहे। तो ये सारी चीज़ों की भी डायलॉग साथ साथ चलना चाहिए। यस, पेंडेमिक से हमें बाहर निकलना, बट जैसे निकलने से बाहर आएंगे तो साथ साथ हमें टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट यार ये हम बार बार नहीं कर सकते, ये स्टोरी रिपीट नहीं हो सकती बार बार। या आप हर कुछ सालों के बाद कहें चलिए आज 3 महीने के लिए बंद हो गए, तब 6 महीने के लिए बंद करते पूरी दुनिया, फिर साल भर के लिए बंद करते हो। सो और मतलब आई डोंट वांट टू से इट, आई डोंट वांट टू बी अ डूम्सडे प्रेडिक्टर, बट ये एक प्रॉब्लम आया है। इस प्रॉब्लम के पीछे ये नहीं हुआ कि इसकी वजह से दुनिया अचानक फिक्स हो गई है। The things that you have done will require the next 50-60 years for it to start coming to the balance that needs to be. So abhi floods will happen, it's not like a floods nahi hone wale, abhi barishein hongi, floods bhi honge, अगले कई सालों तक होंगे, ड्रॉट्स होंगे, क्रॉप्स की क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी, पानी के ऊपर सख्त प्रेशर आएगा, पोर्टेबल वाटर नहीं मिलेगा, कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं बहुत कम हो जाएगा। सो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलेंगी। सो तो उसकी रेस्टोरेशन पे काम उतनी ही तेजी और उतनी स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए। दिस इज अगेन ए ट्रेलर। तो मेरा क्वेश्चन, जैसे अब काम करने के लिए ऑफ कोर्स पैसों की जरूरत होती है, जैसा कि आपको पता है, और कैफ भी पहले बोल रही थी कि भाई जैसे आर्टिस्ट वगैरह को भी जो है वो जो कॉम्पेंसेशन जो है वो जरूरी होती है, मिलना जरूरी होती है। हर कोई जो कहते हैं और एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए कि जो कहते हैं लोग ऐसे ही वेलफेयर के उसमें कर लेंगे, क्योंकि जैसे you've made this your life basically, your living। इसी तरह से तौफीक पाशा की अलग लिविंग है, मेरी लिविंग जो गार्बेज का है, आबिद की जो कहते हैं ऑफ कोर्स पाखी एयर क्वालिटी एंड सो ऑन। तो जो ये अर्बन फॉरेस्ट में जो क्राउड सोर्सिंग फॉर एग्जांपल हो रही थी या बाकी एनवायरमेंटल जो कहते हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो कि ये लोगों की बेसिकली गुडविल के ऊपर बेस्ड थे, डू यू थिंक कि ये कोरोना की वजह से अब जैसे अटेंशन मेडिकल एस्पेक्ट की तरफ चली गई है, जो कि बिल्कुल जानी भी चाहिए, क्योंकि लाइक द डॉक्टर्स राइट नाउ नीड कंप्लीट सपोर्ट और जो पीपीईज वगैरह उनकी दे नीड कंप्लीट सपोर्ट। और बट एट द सेम टाइम अब जैसे राशन क्लेम भी जो कहते हैं डोनेशन जाने लगे, तो आपको लगता है कि आपके जो प्रोजेक्ट की तरफ से अब जो जरा सा फंडिंग वगैरह ड्राई अप होगी, आपका लाइक ड्राई अप यू नो कोर्स ड्राउट आएगा, तो के फंडिंग का जरा सा तो वो उसकी वजह से भी अर्बन फॉरेस्ट स्लो डाउन होगा? हाँ, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दैट। ऑब्वियसली खाना जो है योर प्रायोरिटी फॉर एवरीवन बेसिकली, जब भी आप पेट पर राशन भूख लगी है तो आपको खाना देना है, और उस खाना देने के लिए जो भी फंड्स या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारी की सारी कंज्यूम होनी चाहिए। तो दैट्स यू नो यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, सो वो डेफिनेटली होगा। I just hope that we come out of this with this clear thought process, because उसका फिर dialogue होने चाहिए साथ साथ कि भाई ये हो गया लेकिन ये हो क्यों गया, और ये हो गया है तो combined with other things that are supposed to happen, this can go really haywire. So do we want to continue to do that? Do you what? And again, long-term solutions, इसके short-term solutions कोई नहीं है। ये नहीं है कि आप एक मशीन इजाद कर लेंगे जो कि सारा कार्बन खींच लेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्चुअली एक जो जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था जो नासा के लिए जो वो था, इट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट व्हिच इज प्रूव द कांसेप्ट। आई मीन ऐसे कोई नहीं है कि जी वो नासा के लिए काम करे, तो वो वी आर ट्राइंग टू सिमुलेट कंडीशंस जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होंगे, तो उसमें वी आर यूजिंग डीप स्पेस एज अ हीट सिंक। तो यहाँ पे जैसे आपका एयर कंडीशनिंग में गैस होती है ना हीट सिंक, तो उसके लिए आपको कंप्रेस करना पड़ता है, तो यू नीड एनर्जी टू प्रोड्यूस दैट, तो वी आर यूजिंग डीप स्पेस एज द हीट सिंक। तो उसमें तो विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स, विदाउट एनर्जी बीइंग इन्वॉल्वड, एयर वाज जस्ट पासिंग बाय, जिसमें से फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज आउट कर रहे थे। पहले वाटर वेपर फ्रीज आउट होता था, फिर अगले उसमें -78 डिग्रीज पे में खासा नाइट्रोजन होती है, लेकिन अगेन लेकिन आई हैव फॉरगॉटन कुछ साल कुछ अरसा हो चुका, but we were able to freeze out carbon dioxide as well, we were able to prove that carbon dioxide freeze out again so if we are able to simulate those conditions, jo ke of course yahan pe mushkil hoga, but we can use liquid nitrogen to trap carbon dioxide in that manner and then of course produce methane gas for energy and so on. to agar karna chahe to kar sakte hain, but at the same time uske liye effort chahiye. 300 gigatons carbon dioxide is in the air right now. Exactly. So, थोड़ा सा क्वांटम जो है ना उसका माजर के साथ बहुत ज्यादा है। नहीं बिल्कुल ज्यादा ही थोड़ी तो नहीं है बिल्कुल। और इसका सबसे इकोनॉमिकल और सबसे आसान सॉल्यूशन इज द ट्रीज अगेन। इस सारी CO2 लेवल को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए पहले तो प्रोडक्शन बंद कर दें ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल, जो कि हो गया ऑटोमेटिकली, अब जाहिर है कि खैर फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन अगेन दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड कि यार दिस हैज टू हमें वी हैव टू मूव आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री कंप्लीटली, बिल्कुल फास्टर क्विकर। हां और वी हैड अ वेरी ग्रेट सेशन अभी विद दिस जेंटलमैन कॉल्ड तलाह Khan. He works with a renewable energy company in Karachi. So we invited him for a meeting, and so he gave us the whole overall energy mix for Pakistan and what we're doing and what are the pros and the cons of renewable energy. चाहिए हमें, लेकिन उसका एक मिक्स होगा जो मुसलसल आपको थोड़ा बहुत फॉसिल फ्यूल साथ साथ चाहिए होगा, करना पड़ेगा बैलेंसिंग इट एट ऑल द गुड टाइम्स, बिकॉज इसके अंदर जाहिर है कि स्टोरेज का वो नहीं होता, ऑन डिमांड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता बिल्कुल. बट यार इवेंचुअली मतलब दिस हैज टू हैपन. पॉइंट ये है कि यार आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो बड़ा कॉस्टली है. वो आपको नजर आ गया कि कॉस्टली एक इतना सा वायरस जो है, आप सारे कैलकुलेटर निकाल लें और बात कर लेंगे यार कितना जीडीपी का नुकसान हो गया, कितना ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान हो गया 3 महीने के अंदर, और अगले कितने 6 महीने तक चलेगा, साल तक चलेगा, नोबडी नोस. एग्जैक्टली. तो जितने आपके कैलकुलेटर निकाल लें उसमें तो जीरोस खत्म हो जाएंगे, मतलब इतने कितने ट्रिलियन ट्रिलियन जो है वो खराब हो गए, ये हो गया और लॉस ऑफ दिस एंड लॉस ऑफ दैट. हाँ वो ये नहीं, और विदिन अ कपल डेज, यानी जितने साल लगे उसको डेवलप करने में, और वो विदिन अ कपल डेज जो कहते हैं वो गायब भी हो गया, लेकिन बंदा इंसान है तो उससे बेहतर जो कहते हैं दरख्त लगा लेते ज़रा सा, और जो कहते हैं फायदा वैसे हो जाता, जिंदगी सुकून वाली गुजार लेते. गेम प्लान करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे. यू नो सम आर मोर कंसर्न्ड देन द अदर्स, बट होपफुली वी विल हैव. अच्छा ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है कार्बन, उसका कार्बन रिप्लेसमेंट कहलाती है या क्या चीज कहलाती है? कार्बन ऑफसेटिंग. कार्बन ऑफसेटिंग के कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं कि जी मैं लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन द यूएस यूज्ड टू डू दैट, कि ही यूज्ड टू लाइक व्हेनेवर ही ट्रैवल्स ही कम्स बैक एंड ही पेज लाइक कंपनी या तरह लगाने के लिए. तो वो आपने सोचा? यार सोचा ही है, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट एज आई यू नो. तो ये दिस इज अ गुड टाइम फॉर मी टू एक्सप्लोर दिस इन डिटेल एंड एक्चुअली आई विल गेट ऑन विद इट. उसमें कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए होती है, बिकॉज इफ दे वांट टू डू इट इन अ कॉर्पोरेट लेवल देन उनको कार्बन ऑफसेटिंग के आपको वो देते हैं, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी हमने इतना, we emitted so much and we paid for it, and for that you know we got XYZ solution done at whatever location in the world, and usko restore kar diya gaya ya usko restoration pe kaam shuru ho gaya. Foreign desire nahi ho sakta restore, but you go bilkul chote nahi darkhon ko grow karna time lagta hai. ha kyunki I mean if there's one space in Karachi, or at least in, if there's one space in Pakistan where this carbon offsetting thing could work, it is the urban forest. क्योंकि दूसरी जगहों पे like you said एक दफा आपने वो कर दिया, tree plantation कर दी, सही है, तो वो आगे कोई ख्याल रखे या ना रखे पता नहीं है, मगर urban forest पे तो आपका तो ये नहीं कहते, you're there consistently, right? You're there consistently for the last two to three years. You'll be there inshallah for the next 2 to 3 years, or if the extend ho jaye to aage tak. So I think I mean that's a solid idea. I think you should definitely push for it, or that's something to look at. Exactly zaruri hai bilkul ki wo, aur phir ye ek dafa concept aap jab pioneer kar denge yahan pe, to aur phir bahut sare log jo kehte hain isko phir follow karna shuru karenge, and wohi hai ki kadi se kadi milti jayegi inshallah, chalta rahega, bahut zaruri. अच्छा दूसरा आप मुझे ये बताएं जो कि कोरोना के टाइम्स में या उससे पहले हमने जो कहते हैं वो सेटअप किया था आपका, अभी मेरे लाइक सम ऑफ माय एम्प्लॉइज डिड गो एंड पिक अप द रिसाइक्लेबल आइटम्स फ्रॉम योर पार्क, तो उसमें कोई अपडेट आया है या नहीं आया अभी तक? नहीं यार, स्लो ही है मेरे ख्याल से. वी नीड टू पुश दैट फर्दर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ इज टू actively engage a couple of people to collect all kinds of garbage from the neighborhood. Bilkul to disconnect hai na, where I have been trying to push the neighbors to do their own sorting and give me you know the recyclables alag or separate you know organic alag. wo effort nahi karni kisi ne बिल्कुल बिल्कुल आएगी। तो मैं करूँगा ये कि मैं अब खुद दो जमादार रख के कचरा ही कलेक्ट करेंगे पूरा, उसकी सॉर्टिंग कर लेंगे XYZ पोजीशन जहाँ हमारे पास है जगह थोड़ी सी, और उसको छांट के फिर हम उसको अलग अलग कुछ इधर कुछ इधर। आप अगर जो कहते हैं कलेक्ट करवा के एक जगह पे करवाते हैं तो बाकी तो मेरे फिर मेरे एम्प्लॉइज आके सॉर्टिंग कर देंगे, दैट्स नॉट एन इशू। एक जो कहते हैं जैसे अभी हमने लगाया हुआ ना कि तीन चार जो सॉर्टेड वाले हैं, एक जो है एक बैग आप लगा दें जो कि अनसॉर्टेड हो, फिर ताकि वन माई गाइज कम इन दे कैन दे वो नो कि अच्छा इसमें से सॉर्ट करना है, फिर वो ऑर्गेनिक आपका जो इसके लिए चला जाएगा कंपोस्टिंग के लिए और बाकी दूसरा उसमें चला जाएगा। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी कुड गेट डन। हाँ, ये इस पे हमें पुश करना है इंशाल्लाह, as soon as we are out of this COVID situation, तो फिर भागना शुरू करेंगे। उसमें मैं एक दफ़ा दरख्वास्त ये करूँगा लोगों को आदि कराने का सबसे आसान तरीका मुझे समझ में आता है कि हड़ताल करा दें जो गार्बेज कलेक्शन वालों की, एक महीने तक गार्बेज कलेक्ट ना हो वहाँ से, तो ऑटोमेटिकली लोगों की समझ आ जाएगा कि यार गार्बेज के साथ क्या करना चाहिए, उसे सॉर्ट करना चाहिए और हम खड़े हो जाएंगे बाहर, हमें रिसाइकलेबल्स दे दो, अपने ऑर्गेनिक्स दे दो, वो हम ले जाएंगे, बाकी अपने घर में रखें हम। मैं ये सोच रहा था कि करूं मैं, पर फिर मेरे ना है कि जरा सा फिक्स्ड टेस्ट हो जाएगा, ये फिक्स्ड टाइप जो कहते हैं हड़ताल वाली चीज हो जाएगी तो मैं क्या कहीं लोग ये ना करें लोगों की समझ नहीं आती है, नहीं खुद ब खुद हो जाएगा। मैं से भी कह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हो गया, सिंध गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया, हड़ताल हो जाती है, हड़ताल हो जाती है ना उस चीज में, एरिया वाइज हड़ताल कर लें और एरिया वाइज कर लें ताकि इट्स मैनेजेबल एंड वी नो एग्जैक्टली क्या अभी सोल्यूशन ये है इसका। बस सही, आप तो यानी नेक्स्ट क्लाइमेट मार्च के लिए तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू हो गए आप तो। देखो मैं क्लाइमेट मार्च, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, और उसमें मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन रिबेलियन जो है ना उसके अंदर भी उसमें थोड़ा आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनटू दिस होल डायलॉग एज वेल। नहीं एक्चुअली इट्स मच नीडेड क्योंकि अब व्हेन आई वाज इन द स्टेट्स वहां पे सनराइज मूवमेंट भी चल रही थी, ऑफ कोर्स ये कहते हैं एक्सटिंक्शन रिबेलियन भी चल रहा था, क्लाइमेट मार्च भी था, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर भी था, उसके अलावा जीरो वेस्ट की जो कहते हैं कन्वर्सेशंस चल रही थी। तो एब्सोल्युटली ये तो बिल्कुल जरूरी है लाइक कन्वर्सेशन में। तो कुरत मिर्जा हैज जॉइंड अस एज वेल, और कुरत मिर्जा से जो कहते हैं उनकी बेचारी की तबीयत कल खराब हो गई थी, तो होपफुली शी इज फीलिंग मच बेटर नाउ, एंड वो ये कह रही है कि जी कंप्लीट लॉकडाउन इज रिक्वायर्ड। तो इनसे हो सकता है कि कुरत से कल परसों बात हो। अच्छा, एक और हमारे जो कहते हैं फहद जिया, ये जो कहते हैं मेरे साथ वो आर्किटेक्ट थे, ये खान में अच्छा काम करते हैं, ये ही इज एन आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, सो यू नो ही वाज वर्किंग विद स्टूडेंट्स टू मेक say lighting या equipment, architectural equipment out of waste, ताकि वो waste ना हो and so on. So he's asking के जो कि हर कोई पूछ रहा होता है कि how can we give people the realization, या how can we give people the awareness that this is all of these जो हम लोग बात कर रहे हैं is needed. What's your opinion on that? Needed as in मतलब जो इस वक्त करंट सिनेरियो है वो किस वजह से हुआ है, या इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो काम हमने करने वो जरूरी है जिंदगी गुजारने की, उसकी बात हो रही है? नहीं, वो पूछें कि हम लोग लोगों को रियलाइजेशन कैसे दें कि ये जरूरी है, कि ये इस जो अर्बन फॉरेस्ट जरूरी है, या स्मोकिंग छोड़ना फॉर एग्जांपल। सो बेसिकली इफ यू लुक थ्रू वो लिंक, आई थिंक मैंने प्राइवेट चैट में गलती से कर दिया शेयर, वो मैंने पोस्ट कर दिया उस पे, कमेंट्स वाले सेक्शन में पोस्ट कर दिया मैंने। सो दिस डेटा इज सो क्लियर नाउ कि ये देखिए ये होता है अगर दरख्त लगे हों एक जगह बहुत सारे, ठीक है, और तो उसकी ये शक्ल हो जाती है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस एक दफा आपने कर लिया आगे, यार ओके यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब the kind of life that exists around this area is so intense ke this is what it's supposed to be. Thodi bahut apni effort in terms of reading the ecological systems that exist and why they are necessary for human existence per se. To ye agar aap thoda sa bhi read up kar le, just mere group pe hi agar aap just keep scrolling down, you will keep finding articles and there are so many things in there जो आपको बेसिक टूल से अपडेट कर देगी यार ये चीजें होती हैं, ये अफेक्ट करती हैं और इसके ये नताइज करना पड़ेगा, जरा सा रिसर्च खुद भी करनी पड़ेगी कि हर चीज तो स्पून फेड नहीं हो सकती। आप ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई लोग आपसे पूछ रहे होंगे जी कैसे, तो फिर तो ये नहीं कहते हैं। देखिए बेसिक्स अंडरस्टैंडेबल, देखिए लोगों की जिंदगियां बिजी है और हमें आदत पड़ चुकी है क्विक फिक्सेस क्या होंगे कैसे होंगे। मैंने अभी ये क्वारंटाइन टाइम जो है मैंने इतनी रीडिंग की ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगेन, मतलब लॉट मोर ऑफ इट एंड लॉट, क्योंकि जितना पढ़ लें कम है, मतलब जितना आप समझ लें उतना कम है। एंड सो बेसिक डेटा या बेसिक इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट वो आपको 2-4 आर्टिकल्स में मिल जाती है, गुड इनफ फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ टॉक टू एनीवन एंड टेल देम कि भाई एक मिनट हालात ये हैं, दिस इज एंटायरली डिफरेंट। जनरल अंडरस्टैंडिंग सभी के पास है, दरख्त अच्छे हैं, होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ये 4-5-6 बेसिक चीजें हैं। अर्बन फॉरेस्ट क्यों होने चाहिए, टॉप 10 रीजंस फॉर बीइंग हैविंग एन अर्बन फॉरेस्ट इन योर नेबरहुड इज टक 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 टक, वो हो गए। वेस्ट रिसाइकिल होना चाहिए, भाई क्यों होना चाहिए, इस वजह से होना चाहिए, टॉप 10 रीजंस टू बी नो, सो यू नो। अब ये हमारा वो भी है, लेकिन इवेंचुअली योर अंडरस्टैंडिंग शुड बिकम होलिस्टिक। एक ओवरऑल आपको सिस्टम समझ में आना चाहिए। नेचर एग्जिस्ट विदाउट एनी वेस्ट, नो, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री, देयर इज नथिंग जो एनी वर्ड एज वेस्ट इन नेचर। नेचर में वेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, so everything is consumed by something else. गार्बेज नाम की कोई चीज भी नहीं है। अच्छा, what's interesting is कि लोग गार्बेज या ट्रैश को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं वेस्ट से। तो ये नहीं कहते हैं, my last few sessions with people, I've been trying to impress upon them कि भाई वेस्ट और गार्बेज 2 अलग-अलग चीजें हैं। वेस्ट होता है जाया करना, गार्बेज होता है जो जाया हुई भी चीज है, जब वो आप फेंक दे तब वो गार्बेज या कचरा बनती है। अगर आप जाया ना करें कचरा नहीं बनेगा वो। तो एग्जैक्टली आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि दैट रियलाइजेशन इज नीडेड। मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है ये कि भाई गलती से भी आप नेचर को देखते हैं, अपने ह्यूमन बॉडी को देख लें, यहाँ से शुरू करें कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो जाया जा रही है, नहीं जाती है। हर चीज जो आप डालते हैं एक तरफ इनपुट है, एक तरफ वो उसका आउटपुट है और उस आउटपुट का इवेंचुअली कंजम्पशन है कहीं नेचर के अंदर। तो जब सिंपल एक चीज में नहीं है कोई चीज, तो फिर आप कैसे एक डेड एंड के साथ कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं और किस पे आप रिलाई कर रहे हैं कि वो चीज जो है वो वैनिश हो जाए इवेंचुअली। तो लोगों का ख्याल था कि यार नहीं होगा, खुद ही कुछ हो जाएगा इसका। वो 40-50 साल में अंदाजा हो गया सबको कि नहीं, जो आपका पैदा किया वो कचरा था वो वही है जहाँ आप छोड़ के गए थे। Exactly. उन जगहों पे आपके सामने अब आ जाता है जहाँ पे आपका ख्याल था कि वो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, exactly. और बल्कि अब तो कोरोना के भी जो कहते हैं मास्क और ये ग्लव्स और ये भी जो फेंके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उससे भी बड़ा अनफॉर्चुनेटली वो भी समंदर में मिलेंगे और वो तो दिस बेसिक कंस्टिट्यूट्स एज मेडिकल वेस्ट, अगर स्पेशली अगर जरा सा भी कंटामिनेटेड हो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। शहजाद, इट्स बीन 55 मिनट्स और लाइक ऑलरेडी, ये जो कहते हैं ऑल ऑफ दिस कन्वर्सेशंस हैव बीन गोइंग बाय सो क्विकली, यानी मजा आ रहा होता है सारी बातें करने में। वो लगता है कि 15-20 मिनट भी जो कहते हैं, मगर वो 50 मिनट घंटा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो भैया, आई मीन माय टेक अवे फ्रॉम दिस इज के यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर द carbon offsetting wali cheez if there is one project that you need to I will bilkul and congratulations on the second urban forest. You first heard it here. This is the place where this came out. I'm blushing. I'm feeling like Myra. आपकी और कोई चीज, would you like to say anything else before we end the broadcast? Yeah, I think just keep up your good work because and you know, it is fantastic that you're taking it serious enough that you went out and around the world to look for what kind of solutions exist and how they are being rectified. You know, probably we will have to do this on a private level of whatever you're doing. उसका एक private scale effort करनी पड़ेगी बड़ी size की further to make sense out of the garbage being created. And you must have seen systems already that exist out there, the sorters, the separator, and so forth. So, I actually need to share all these things. वो जो कहते हैं कोरोना के वापस आके I wasn't able to. अभी I am in the process of properly writing things down, and then I'll slowly start sharing them the information on. Yeah. That's a must. You must do that. Because you know, there are so many examples out there, man. I mean, it's just about the will, and let's try to find out how to create that will. जो जहाँ जरूरत है उसकी, either by monetary incentive or by just by creating a एक हड़ताल कर देंगे कहीं पे, कुछ करवा देंगे अगली क्लाइमेट मार्च में. बिल्कुल सही है, बेहतरीन है. क्लाइमेट साइकिल अभी से तैयार हो, यही चाह रहा था मैं. जरूरी है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह वी माइट कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन बिकॉज़ दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ फन. ऐसे बैठे बैठे मुझे आइडिया आया था, एंड आई बिलीव मेरी तौफीक से बात हुई, आबिद से बात हुई है, मशल से हो गई, कैफ से हो गई, आप से हो गई, आप जो कहते हैं पांचवे से, और इंशाल्लाह भी जो कहते हैं यासुर हसन इज लाइंड अप, कुरत मिर्जा जो कहते हैं इज लाइंड अप विद हर फेमिनिस्ट यानी कहते हैं पर्सपेक्टिव एज वेल. फिर ऑफ कोर्स आफिया सलाम भी है, नईम कुरैशी भी हैं, एंड होपफुली वी माइट if like the conversation continues from मुर्ज़ा वहाब या जो कहते हैं ज़रताज गुल को भी कोशिश करेंगे कि जी उनको भी ऑन बोर्ड लेके आएं कि जो आखिर उनसे बात बिल्कुल इनफॉर्मल सेटिंग में, नथिंग फॉर्मल, इनफॉर्मल सेटिंग में करें. एंड आल्सो कंसीडरिंग दैट दिस इज अ फर्स्ट, लाइक यहाँ पे पहली बातें हो रही हैं, तो हो सकता है कि आई माइट बी क्रिएटिंग अ पेज कॉल्ड, अ सेपरेट पेज कॉल्ड द एनवायरमेंटल, a page that's separate from garbage can क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड है कि वेस्ट वगैरह के हवाले से. So I'm hoping क्योंकि उसमें the environmental is a new / blog platform. So Marshall was writing for the environmental, and a couple other people have written for the environmental as well. So I'm hoping के ये videos फिर मैं ऐसा उधर जो ट्रांसफर करना शुरू कर दूंगा, and there will be a separate page for everything environmental. Sure. Thank you so much for your time. Inshallah, take care. Allah Hafiz.